नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल लुकिंग और अट्रैक्टिव थंबनेल्स कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ थंबनेल्स मैंने बना रखे हैं जो कि अट्रैक्टिव लुकिंग हैं और प्रोफेशनल भी दिखते हैं। तो अगर आप ऐसे थंबनेल्स बनाना चाहते हैं तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और आप आसानी से एक अच्छा थंबनेल अपनी YouTube वीडियोस के लिए बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने ब्राउज़र में कैनवा टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ canva.com की साइट ओपन शो होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से साइन आउट कर देता हूँ क्योंकि आप तभी ठीक तरह से जान पाएंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा, अपने फेसबुक या गूगल प्लस या फिर अपनी ईमेल आईडी से इसमें साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेसबुक आईडी से साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे जितने भी थंबनेल्स मैंने बनाए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जब आपको थंबनेल्स बनाना है तो यहाँ पे ऊपर आपको यूज कस्टम डायमेंशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अपना डायमेंशन सेट करना है 600 और हाइट में 300। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लेआउट दिख रहा है, आप कोई सा भी लेआउट चूज कर सकते हैं, 3 फोटोज वाला, 4 फोटोज वाला या कोई सा भी। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए एलिस्ट्रेशन सब कुछ है यहाँ पे, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे टेक्स्ट दिए गए हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड पे, तो बैकग्राउंड में आप कोई सा भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्री बैकग्राउंड्स दिए गए हैं। उसके बाद आप अगर कलर यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे वाइट ही रखते हैं। उसके बाद अपलोड्स हैं, तो यहाँ पर आप अपनी खुद की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी इमेज अपलोड कर रखी है तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। उसके बाद अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो मैं टेक्स्ट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये टेक्स्ट यूज चूज करता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया इसमें और इसे मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से
इसके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी फॉन्ट्स लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको साइज चेंज करना है तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखा दोस्तों, हमने ये थंबनेल बना लिया है। तो यहाँ पे हम तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये जो थंबनेल है वो बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम डाल दिया। अब हमें इसे इस फॉन्ट को चेंज करना है, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा थंबनेल बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको PNG या JPG में, जिसमें भी आपको अगर इसे सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। मैं इसे JPG में डाउनलोड करता हूँ। तो उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपका डाउनलोड प्रिपेयर हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। इसे एक बार देख लेते हैं ओपन करके। ये देखिए दोस्तों, हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब आप इसे अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इंटरनेट और ब्लॉगिंग से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन वीडियोस के नीचे दिया गया है, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू गाइज़।